सो आज के टाइम पे क्या ये कहना कि सैमसंग इज इक्वल्स टू एप्पल। सो सैमसंग ने अनाउंस कर दिया है अपना अनपैक इवेंट जो ईयरली करते हैं, जिसमें अपनी वो एस सीरीज लॉन्च करते हैं, वो होने वाली है 17th of January को 2024 में। वो लॉन्च करने वाले हैं S24 और हर वो चीज़ जो आपको ज़रूरत है जानने के लिए S24 के बारे में वो आपको मिलेगी इस वीडियो में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है सात्विक, आप देख रहे टेक्नोलॉजी ट्रिक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सैमसंग S24 से रिलेटेड बहुत सारे लीक्स रूमर्स आ चुके हैं और जो बहुत हद तक कन्फर्म हो चुके हैं वो ये हैं कि सबसे पहले यहाँ पर निकल के आता है कि हमें मिलने वाला है टाइटेनियम बॉडी जो इसको लाइट और ड्यूरेबल बना देगा, बिल्कुल आईफोन 15 की तरह, और काफी प्रीमियम फिनिश भी देगा। और बंदे लोग को भी कॉल कर दे, अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। और इसमें हमें बैक साइड में मैट फिनिश देखने को मिलने वाली है, बिल्कुल आईफोन की तरह। एंड यहाँ पे S23 से बहुत ज्यादा कम बेजल्स देखने को मिले, फिलहाल डिजाइंस में इतना ही है। और कैमरे में काफी ज्यादा अपग्रेड है इन टर्म्स ऑफ वीडियो, तो बहुत ज्यादा। एंड आई एम नॉट शॉक्ड ये सुन के, क्योंकि जिस हिसाब से रीलर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, आई एम श्योर कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वीडियो ऑप्टिमाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। तो अब आप 4K में भी 4x तक का जूम कर सकेंगे, यानी कि आप अगर कहीं किसी बड़ी महफिल वगैरह में हैं और शादी वगैरह में हैं और आपको वीडियो दूर से रिकॉर्ड करनी है 4K में, तो अब आप फाइनली 4K में भी 4x तक का जूम कर सकते हैं, यानी कि बेटर क्वालिटी बेटर जूम के। और हमें एक और फीचर देखने को मिलने वाला है जहां पे आप वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त क्लोज शॉट्स और वाइड शॉट एक साथ ले पाएंगे, यानी कि दो वीडियो आपके फोन में सेव, फोन गैलरी में सेव हो जाएंगे, एक वाइड शॉट होगा और एक क्लोज शॉट होगा। यहाँ पे सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा अपना AI पे फोकस रखा है इस S24 सीरीज में। यहाँ पे हमें AI बेस्ड सब्जेक्ट ट्रैकिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि मदद करेगा आप वो शॉट्स क्लिक करने में जहाँ पे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मूव कर रहा होगा, जिससे आपके सब्जेक्ट का फोकस लूज नहीं हो। चाहे आप एक किसी बच्चे की शॉट ले रहे हो या फिर स्पोर्ट्स का कोई शॉट ले रहे हो या फिर आपका अगर कोई पेट है उसका शॉट्स, तो काफ़ी ज़्यादा एक हद तक फोकस स्टेबल रहने वाला। और इस टेक्नोलॉजी को सैमसंग बोल रहा है आइसोसेल जूम एनी प्लेस टेक्नोलॉजी, और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया सैमसंग के 200 मेगापिक्सल के सेंसर की वजह से और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के AI इंजन की मदद से। और आपने कंपैरिजन वीडियो अगर देखे होंगे आप आईफोन के लेटेस्ट मॉडल और सैमसंग की एस सीरीज के लेटेस्ट मॉडल में, तो काफ़ी ज़्यादा इस बात पे होती है कि कैमरा ऑप्टिमाइजेशन, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, कैमरे के शटर लैग देखने को मिलता है। तो फाइनली सैमसंग ने उसको एड्रेस किया हुआ है और इस S24 में उसे फिक्स किया हुआ है, और वो फिक्स हो पाया है एंड टू एंड रेमोस सैक की वजह से। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या करता है कि जब आप फोटो क्लिक करते हो तो जो प्रोसेसिंग होती है वो अभी तक सीक्वेंशियली हो रही थी, मतलब एक के बाद एक के बाद, पहले एक्सपोजर फिक्स हुआ, पहले ये कॉन्ट्रास्ट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये। तो अब क्या होगा, अब जो प्रोसेसिंग होगी वो पैरेलली होगी, मतलब इधर एक्सपोजर सही हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट सही हो रहा है, सब एक साथ सही होंगे और फोटो पे लग जाएंगे। तो वो एक डिले कम करता है जब आप फोटो क्लिक करते हैं, तो जो शटर लैग है वो हमें काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता नज़र आएगा S24 में। तो कैमरे में बस यहीं तक के कुछ अपग्रेड्स थे, और डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ हमें जो अल्ट्रा सीरीज होगी उसमें हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, कोई कर्व वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और फ्लैट एक हद तक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, कर्व थोड़ा सा या थोड़े से जो कर्व होते हैं वो एक इम्प्रूव्ड ग्रिप प्रोवाइड करते हैं हमें। सो ये सब चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करते हैं स्मार्टफोन को, तभी आप ज़्यादा बेहतर से जान पाते हैं। और यहाँ पे जो ब्राइटनेस होने वाली है वो पीक ब्राइटनेस जाने वाली है 2500 nits तक, और यहाँ पे हमें 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। आपके लिए इतना ज़्यादा यूजफुल ना हो, बट गेमर्स विल डेफिनेटली लव दिस वन। तो प्रोसेसर में काफ़ी ज़्यादा इनका चलता रहता है इधर से उधर, कभी ये कहते हैं एक्सिनोस आ रहा है, कभी SoC यूज़ करेंगे। तो फाइनली एक इस कंक्लूजन पे पहुंचा है सैमसंग कि हमें बेस और प्रो वेरिएंट में एक्सिनोस 2400 देखने को मिलने वाला है, अल्ट्रा वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिले। बट हाँ, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इज़ वे बेटर देन
सेकेंड जनरेशन 30% फास्टर है, बेटर पावर एफिशिएंट है, बैटरी लॉन्ग लास्ट करेगी। बात करें अगर एक्सिनोस 2400 की तो हमें अभी कुछ नहीं पता है। हाँ, नंबर्स हैं हमारे पास जो गीकबेंच वगैरह के लीक होते हैं, बट वो इतना जस्टिफाई नहीं कर पाते परफॉर्मेंस को। तो जो क्या सीपीयू थ्रॉटलिंग हो रही है, कैसा पावर एफिशिएंट है कि नहीं, कैसे कैमरा ऑप्टिमाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं, वो सब हमें जब लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा इसमें क्या है एक्चुअली बेस और प्रो वेरिएंट में। बट स्नैप 8 Gen 3 के कई फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और इसके लॉन्च होने तक भी कई लॉन्च हो जाएंगे। एंड लेट्स सी कि एक्सिनोस क्या होल्ड करता है हमारे लिए और कैसा प्रोवाइड कर पाता है, क्या वो प्रीमियमनेस जो अदर चीज़ में इस बार अपग्रेड हुई है वो क्या प्रोसेसर भी जस्टिफाई कर पाता है कि नहीं। हाँ, अगर तो हम बात करें कि कब आने वाला है फ़ोन, क्या होने वाली प्राइसिंग, कौन से वेरिएंट्स होंगे, तो उनके बारे में बात करें तो फ़ोन लॉन्च होगा 17th of January को और 25 या 26 January से सेल पे जा सकता है ये फ़ोन। और अगर बात करें वेरियंट्स की तो सेम वेरियंट्स रहने वाले हैं जो S23 में थे। और प्राइसिंग की बात करें तो US में सेम प्राइसिंग के साथ लॉन्च होगा, बट आई गेस इंडिया या फिर जो इधर आसपास के रीजन है उसमें चेंज देखने को मिल सकता है प्राइसिंग की, क्योंकि डॉलर का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन वगैरह भी है, करेंसी वगैरह भी चीज़ें इशू कर रही हैं, तो प्राइसिंग में भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा S23 के मुकाबले। एंड सो या लेट्स सी S24 कितना ज़्यादा टक्कर दे पाता है एप्पल को, क्योंकि उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर सिर्फ iPhone 15 है और उसके कोई आसपास भी नहीं है आई गेस। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी या।